हाय लेडीज़, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। मैंने इसमें कटा हुआ आलू, शिमला मिर्च और गोभी लिया हुआ है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया, मैंने 2 लोग के लिए बनाना है। तो इसको मैं धो ली हूँ अच्छे से, अब इसको कुकर में डालते हैं। इसमें हम पानी डाल लेते हैं और इसको बॉईल देंगे 2 से 3 सीटी। और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे और इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको 2 विजल आने तक वेट करते हैं। तीन विजल हो गया, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। अब हम यहाँ चार से पांच हरी मिर्ची लिए हैं, लहसुन ले लिए, 2 टमाटर और 1 प्याज ले लिए। काट लूँगी इसको भी, बारीक काट लूँगी, और इसको भी कूट भी सकते हो, लहसुन को दरदरा कूट भी सकते हो आप। मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ। मैं इन सबको करके आप लोगों को डाल देती हूँ तेल, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गई है। तो हम ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल, ये देखिए मैंने सब काट लिया है, और लहसुन को मैंने डाल लिया तेल में। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इसको लाल नहीं करना है। अगर आप लाल किए तो आपके सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाला है। तो ये बस हल्का सा इसको सॉटे करना है। अभी हल्की सी खुशबू आ रही है, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज, यहीं पे हम डाल देंगे हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसमें से हमारी बॉईल हुई जो वेजिटेबल थी उसको निकाल के रख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्याज को बिल्कुल भी लाल नहीं किया है। अब डाल देंगे हम टमाटर, सॉटे करेंगे मीडियम फ्लेम पे रहेगा। अब हम यहाँ पे टमाटर थोड़ा सा गल गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट, नमक डालेंगे, और हम डाल रहे हैं यहाँ पे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। हम आधा डाल रहे हैं इसमें से, 2 लोग के लिए बना रहे हैं हम। अगर हम 4 लोग के लिए बनाते तो पूरा पाउच मसाला लग जाता, तो ज़्यादा मसाला हम नहीं डालेंगे, सिर्फ हाफ डालेंगे। ये हो गया है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। से मिक्स कर लेंगे मसाला इसमें। आप देख सकते हो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया और तेल बिल्कुल किनारे किनारे अच्छे से छोड़ दिया है ये, लेकिन थोड़ा और भून लेते हैं। जब ये मसाला अच्छे से खुशबू देने लगे तो आप समझ जाना कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। उसके बाद ही आप वेजिटेबल को डालोगे, जो बॉईल किया हुआ वेजिटेबल था उसको। तो आप देख सकते हैं पूरा ऑयल आ गया है साइड में। अब हम डाल रहे हैं इसमें हमारा वेजिटेबल और हम इसी से इसको मैश कर देंगे। ये क्योंकि बॉईल है तो ये बहुत अच्छे से इसी से, हमारे ये जो चम्मच है इसी से अच्छे से मैश हो जाएगा।
देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना के दिखाते हैं। पाव भाजी तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा बनाते हुए, सबका अपना तरीका है बनाने का। मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो आप देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहीं पर हम डाल देंगे जो हमारे वेजिटेबल का पानी था, जो जिसमें हमने वेजिटेबल बॉईल किया था, उसी पानी को मैं डाल रही हूँ इसमें। आप अगर थिक खाना चाहते हैं तो इतना बेस्ट है, मैं थोड़ा सा इसमें पतला बनाऊंगी। और इसी से मैं थोड़ा मैश करते जाऊंगी ऐसे। आप मैशर यूज कर सकते हो। डाल रहे हैं यहाँ पे बटर, अमूल बटर डालेंगे हम। आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो जब हमने ऑयल डाला था। मैं आधा पकने के बाद डाल रही हूँ। मैं एक मिनट अपनी कढ़ाई थोड़ी सीधी कर लेती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये मिक्स हो जाएगा इसमें, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहेगी। ये हमारा सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ती। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये गर्म है, ये गर्म है, इसके ज़्यादा अब हम इसको गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो विटामिन सी जो होता है कोरिएंडर में वो निकल जाएगा। अब इसको गैस हमारा बंद है, अब इसको हम ढक देंगे। पाव रेडी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इसमें बटर डाल दिया है और पाव को बीच से कट, ऐसे मैं बीच से कट लगा रही हूँ। ऐसे बीच से कट लगा के इस तरीके से हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे। नहीं, हम इसके ऊपर भी मैं बटर लगा दे रही हूँ इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश का वो को भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसको पलटी कर देंगे। और डाल देंगे हम बटर। हो गया रेडी, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए हम इसको सर्व करते हैं कुछ इस तरीके से। पाव भाजी की प्लेटिंग तैयार है, आप भी बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। टाटा बाय बाय।